गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव मीना 4404 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। तो गाइस, आज को ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज मैं गांव जा सकता हूँ क्योंकि भैया का सुबह सुबह फ़ोन आया था 8:30 बजे, जब बोल रहा था कि आ रहा हूँ मैं, कुछ काम है तो गाँव चलना है। तो चल देखते हैं गाइस, और चलते हैं तो फिर गाँव की तरफ मिलते हैं। अगर नहीं गए तो फिर भी अपने की तरफ ही रहेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, मेरे लोग मिलते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए। मिलते हैं। तो गाइस, इस वक्त हम चाय बना रहे हैं और पीते हैं चाय, और दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। भैया भी आ चुका है, अब देखते हैं गांव जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आगे की तरफ। तो भाई, आज की रेसिपी में अपन बनाएंगे सफोला मसाला ओट्स। अपन ने कोई गैस को ऑन कर लिया है और अपन ने भगोनी को भी रख दिया है। फिर इसके बाद डालेंगे 1 गिलास पानी, पानी भर के ये अपन ने ये 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। फिर उसके बाद सफोला मसाला ओट्स के पैकेट को अपन खोलेंगे। खोलने के बाद सफोला मसाला ओट्स के पैकेट को खोल भी लिया है अपन ने, डालते हैं। अपन ने डाल दिया है धीरे 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 करके सफोला मसाला ओट्स भी डाल दिया है। फिर इसके बाद 1 चम्मच लेंगे, चम्मच लेने के बाद फिर इसे घोलेंगे 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 घोलेंगे। कम से कम आपको 3 से 2 मिनट तक घोलना ही है तो अपना ये सफोला मसाला ओट्स तैयार हो जाएगा। तो अपन ने बना लिया है सफोला ओट्स। इसका टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा चटपटा भी नहीं, ज़्यादा मीठा भी नहीं है। मीठा तो बिल्कुल ही नहीं है, चटपटा ही है, अच्छा है। और अभी बज चुके हैं 8:15 बज रहे हैं अभी। तो मैं गाँव नहीं जा पाया, इसलिए ये सफोला ओट्स खा रहा हूँ। ज़्यादा तो शायद मैं ही खाता भाई। यार स्पेस ही नहीं था यार बाइक में, यार क्या करूँ, अब बस से जा नहीं सकता, मेरा मन भी नहीं है, मेरे को यहीं पे अच्छा लग रहा है। जैसे उस टाइम मन कर रहा है चल जाऊँ यार, बहुत मज़ा आ रहा। लेकिन अब देखता हूँ, अगर बनी जाऊँगा नहीं तो चलने नहीं जा रहा, बनाने भी अच्छा लग रहा है। खाते हैं सफोला ओट्स, आप भी खाइए जो खा सकते हैं। मैंने तो बनाई है भाई, पहली बार कब बनाया मैंने, नहीं तो वैसे मैंने कभी नहीं बनाया है कुकर मसाला, मतलब सफोला ओट्स मैंने कभी नहीं बनाया। पहले टाइम बनाया, बढ़िया बना, कुछ नहीं करना है भाई, बस 1 गिलास पानी लो डाल दो, और ये सफोला ओट्स आता है ये डाल दो, और क्या बन गया अपना सफोला ओट्स। इसका टेस्ट है ना चटपटा है ना मीठा है, मतलब नॉर्मल है और अच्छा भी लगता है। आपने ट्राई नहीं करा ना तो आप भी करिए, मज़ा आएगा। ठीक है, इस मिलते हैं आगे की तरफ, लोग कंटिन्यू रखते हैं। अभी बज रहे हैं 8:20 हो चुके हैं, मिलते हैं गाइस आगे की तरफ। मेरा गाइस आम की तरफ ज़्यादा मन जा रहा है यार, क्योंकि यहाँ बहुत दिन बाद आम आए हैं, खाना तो पड़ेगा यार। देखो कैसा लगता है, कितना टेस्टी लगता है। आधा तो मैंने पहले ही काट लिया था, बस थोड़े से ठंडे होने की देरी थी, ठंडे भी हुए लगभग लगभग। खाते हैं आम को भी। तो गाइस, अपना शाम का खाना रेडी हो चुका है। ये रही अपनी दाल, ये रही अपनी रोटी, ये रही अपनी एक और रोटी, ये पापा लाए ये, और ये रही अपने आम, और ये रहे अपने पानी। आप सोचते हो कि मैं इतना खाने की वीडियो क्यों डालता हूँ। गाइस खाना जो ऐसी चीज़ है कि यार मज़ा आ जाता है खाने खाने के बाद, खाता हूँ। आपने नहीं खाया तो आप भी खा लीजिए, बढ़िया बहुत टेस्टी है। बस इसमें बटर नहीं है क्योंकि बटर अभी खत्म हो चुका है, तो कल लाएंगे और कल लगाएंगे। अभी तो ऐसे ही खाता हूँ, बहुत गर्म रोटी है, देखो कितनी फूली फूली पतली पतली, कितनी अच्छी रोटी है। थैंक यू पापा। तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, जो कि अपना रहेगा 6th ब्लॉग। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है गाइस, टाटा एंड बाय बाय।